तो दोस्तों ये बेबी सनरोज का प्लांट बहुत ही सुंदर फूल आ रखा है इसमें छोटे छोटा सा, और ये मैंने कटिंग से लगाया। देखने में ये छोटा सा लगता है मगर बहुत ही प्यारा फूल है। ये सूरज की रोशनी जिस साइड होती है उसी डायरेक्शन में खिलता है। ये देखो ये पहले ग्रीन कलर का होता है, पत्ती की तरह ही लगता है। और इस प्लांट को मैं कहीं से लेके आई थी कटिंग, और ये काफ़ी लंबा हो गया तो मैंने इसके दूसरी कटिंग लगा दी दूसरे गमले में, और ऐसे में पिंच पिंच कर कर ये गमला काफ़ी भर गया एक गमले से दूसरे गमले में। पहले मेरे को इस प्लांट के बारे में पता नहीं था तो कि इसको बेबी सनरोज प्लांट कहते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम ना वीडियो डालती थी। और ये हैंगिंग में बहुत ही प्यारा लगेगा, और इसकी पत्तियाँ देखो इस समय काफ़ी चमकदार, क्योंकि मैंने इसमें खाद डाली थी केले के छिलके का लिक्विड बनाकर, और बीची प्याज के छिलके इन सबको मिक्स करके उनका लिक्विड बनाया था। और इसमें गोबर खाद भी डालती हूँ, और ये देखो मैं एक टुकड़ा लगा कर दिखाती हूँ। जैसे हम 9 o'clock लगाते हैं वैसे ही इसी की कटिंग लग जाती है। बस एक बार ये लग गया तो ये आपके गार्डन में सालों साल रहता है ये प्लांट। और मैंने इसकी ढेर सारी कटिंग लगा रखी हैं अलग अलग प्लास्टिक के डब्बों में खाली पड़े हुए, और किसी भी ये देखो ये मैंने किसी प्लांट के साथ लगा रखा है। इस समय इसकी पत्तियां काफ़ी चमकदार हो रखी हैं, क्योंकि मैंने अभी हफ्ता ही हुआ है इसमें काट डाली थी, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पत्तियाँ देखो काफ़ी चमकदार, ये भी काफ़ी भर गया है। इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था फ्रेंड्स, और मेरा दिल करा तो मैं फिर दोबारा से इसका वीडियो बना रही हूँ। देखो पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं इसकी, ये भी देखो काफ़ी भर गया है। छोटा सा ये डब्बी थी परफ्यूम की खाली, और मेरे को प्लांट का बहुत ही शौक है लगाने का बचपन से, और मैंने सोचा चलो इनका वीडियो बनाऊं और शॉर्ट्स में डालूं, तो पूरी कोशिश करूंगी आपके सामने हर प्लांट के बारे में बताने की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और